Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Manya and I am back with my series which is hashtag cook with Manya, and this is gonna be episode number 4. So if you have watched my previous video, so मैंने उसमें बोला था कि I am gonna share with you all my green chutney recipe very soon. So here it is. तो आज मैं बनाने वाली हूँ quick and easy green chutney recipe. So चलिए without any further ado, let's just get started. लेट्स स्टार्ट आर रेसिपी. उसके लिए सबसे पहले आप एक ग्राइंडिंग जार ले लें, एंड इस ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ अबाउट 4 to 5 ग्रीन चिलीज. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज डाल दी. एंड नेक्स्ट आपको लेना है अबाउट 1 inch ऑफ जिंजर. गाइस नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ सम रोस्टेड पीनट्स प्लस फुटाना चना. अगर आपके पास फुटाना चना है तो आप रोस्टेड पीनट्स ना डालें, एंड अगर आपके पास ये है तो आप फुटाना चना ना डालें. दोनों ही अल्टरनेटिव्स हैं. सो मैं यहाँ पर दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ बिकॉज दोनों से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 tablespoons ऑफ रोस्टेड पीनट्स, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सेम 2 tablespoons ऑफ चना. नाउ मैंने यहाँ पर लिया है 1 bowl ऑफ कोरिएंडर लीव्स. इस ग्राइंडिंग जार में हम कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे. नाउ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 tablespoon ऑफ जीरा, 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट, 1 tablespoon ऑफ ब्लैक सॉल्ट. ब्लैक सॉल्ट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बट ट्रस्ट में ये बहुत ही ऑसम टेस्ट लाता है आपकी चटनी में. सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्लैक सॉल्ट डालो. मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस. ये फुल लेमन का जूस है. लेमन जूस आपकी चटनी का कलर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे चटनी आपकी ग्रीनरी ज़्यादा टाइम तक रहती है. नाउ मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स, एंड आइस क्यूब्स की जगह आप एकदम चिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1/2 cup ऑफ चिल्ड वाटर यूज़ करना है, एंड अगर आप क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 2 cubes डालें. एंड फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ नायलॉन सेव. नायलॉन सेव इस रेसिपी का एक मेन इन्ग्रीडियंट है, जस्ट बिकॉज ये आपके चटनी के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है. सो मैं इसमें डाल रही हूँ नायलॉन सेव, एंड देन आप इसके लिए क्लोज कर दें. एंड लग रहा है ना टेस्टी गाइड्स, तो चलिए मैं इसको जल्दी से एक बोल में निकाल लेती हूँ, एंड देन आई कैच यू. बाय बाय. सो दैट्स इट फॉर माय रेसिपी गाइस. आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी. इफ यस, सो डू ट्राई इट एटलीस्ट फॉर वंस, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन अराउंड. ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ. बाय बाय.